बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज हम चैप्टर वन के क्वेश्चंस आंसर करेंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर वन। तो उससे पहले हमें ये देखना है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो सबसे पहला सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है। तो मैं और आप रब को जान सकते हैं अगर हम रब करीम का तारुफ पढ़ें, जो कि कुरान मजीद की शक्ल में हमारे पास है। मेरा और आपका रब है वो जो ज़िंदा रहने वाला है, कायम रहने वाला है, जिसने हमें पैदा किया है। तो तर्जुमे के साथ कम अज़ कम रोज़ की तीन आयात कुरान मजीद की पढ़ना शुरू करें। ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से हमने करेक्ट वन को चूज़ करना है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल तजारती पैमाने पर, तो हम इसको कमर्शियल स्केल को टिक करेंगे, लैब और माइक्रो और इकोनॉमिक स्केल पर नहीं। विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाई फिज़िकल मीन्स। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिर्फ हम मिक्सचर को फिज़िकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं, हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और रेडिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम इस पर मिक्सचर को टिक मार्क करेंगे, एलिमेंट को और कंपाउंड और रेडिकल को हम अलहदा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अक्रिंग इन द ओशंस इज़। जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है समुद्रों में वो ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को टिक मार्क करेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन ओशंस में नहीं, ज़्यादा तादाद में पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में भी मोस्ट अबंडेंट ज्यादती जो है वो ऑक्सीजन की है, इसलिए हम यहाँ पे भी ऑक्सीजन को टिक मार्क करेंगे। एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आयरन है लेकिन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़। हमारी फ़ज़ा में तीसरी ज़्यादा पाई जाने वाली गैस आर्गन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन और फिर आर्गन, जो कि एक इनर्ट गैस है, इसको नोबल गैस भी कहते हैं। तो हम इसको टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वलेंट टू विच ऑप्शन। तो ये हमने पहले फार्मूला देखा था कि 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, हम इसको टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नॉट ट्राई एटॉमिक। तो दो एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको डाई एटॉमिक कहते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, और जो ओजोन है O3 है, इसमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये ट्राई एटॉमिक है। इसी तरह वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी ट्राई एटॉमिक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्राई एटॉमिक है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ट्राई एटॉमिक इनमें से जो नहीं है वो H2 है, जिसमें 2 एटम्स हैं। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़। अब इसमें से हमने देखा था कि अगर हम एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास जमा करें तो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये है 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल का मास। द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड में जो इंडिविजुअल्स एटम्स हैं उनके मास ऐड अप किए तो हमारे पास ये आता है 98 ग्राम। तो हमने इसको 98 ग्राम को टिक किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का 16 है तो 32 AMU बनता है। तो हम इसको 32 AMU को टिक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने पहले एक फार्मूला सीखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
नोन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इस तरह हमने 8 डिवाइडेड बाय 44 किया तो हमारे पास 0.18 आंसर आ गया। तो हम इसमें 0.18 को टिक करेंगे, हमें कैलकुलेशन से ये पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ आयंस। ये सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को कंपेयर किया गया। तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड का वन मोल इज़ इक्वल टू टू मोल्स ऑफ आयंस, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड में डिसोसिएट हो जाते हैं, और वन मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस। तो हाफ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आर द सेम। विच फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मास। अब इसमें आप देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मास है वो 28 है, और क्योंकि 12 प्लस 16 28 बनता है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो N2 28 बनेगा। इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस हैज़ द सेम मास। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।